फिल्म जगत की लेटेस्ट ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड आज और कल। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मुकेश जी के बारे में मैं अपने ही गीत की एक बात आपको बताता हूँ। मैं चेतना का गीत था, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, ये गाना गाने के लिए आए, गाना उन्होंने गाया और जैसे ही गाना ओके हुआ नीचे उतर, क्योंकि दूसरी मंजिल पे लैब थी जहाँ रिकॉर्ड, वो नीचे चले गए और प्रोड्यूसर ढूंढने लगा मुकेश साहब पेमेंट करना था। मुकेश साहब कहाँ गए? वो दौड़ता हुआ नीचे गया। मुकेश साहब गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे, जाके खड़ा हो गया। मुकेश साहब पेमेंट तो लेते जाइए, आप ऐसे कैसे जा रहे? कहने लगे भाई गाना अच्छा हो गया, पेमेंट वेमेंट की बात मत करो, मैं जा रहा हूँ। बगैर पैसा लिए वो चले। और एक वाक्य और मुकेश जी का कि मैं उस जमाने में मुलुंड में रहा कर, मुलुंड में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ मुकेश जी का और वहाँ वो पहुँचे तो अचानक कहीं उनको याद आ गया कि यहाँ मुलुंड में मैं भी रहता। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर को बुला के पूछा कि तुम्हारी बस्ती में हमारे एक शायर रहते हैं, जानते हो उनको? बोलो साहब जानता हूँ, उनके नाम से वाकिफ हूँ। उनको प्रोग्राम पे इनवाइट किया? बोला नहीं, प्रोग्राम पे इनवाइट तो नहीं किया। उनको बुला के ला सकते? बोला ये कर सकते। तो गाड़ी लेके वो मेरे यहाँ पहुँचे, बोला आके मुझसे कहा कि मुकेश जी याद करना, चलो हमारे यहाँ प्रोग्राम है मुलुंड में, आएगा। मैं गया तो बहुत खुश हुआ। मुझसे कहने लगे कि चारों तरफ अजनबी चेहरे दिखाई दे रहे थे, मैंने सोचा कोई तो अपना हो, ऐसी याद आ गई आपकी तो मैंने आपको तकलीफ दी। मैंने कहते किस बात की? फिर वो प्रोग्राम शुरू हुआ तो आरके के बैनर के दो तीन गाने गाने के बाद उन्होंने स्टेज पे खुद माइक लेके अनाउंस किया कि अब जो गाना मैं गाने जा रहा हूँ उस गाने के शायर जो हैं वो आपकी बस्ती के रहने वाले, उनका नाम ये है और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आए। फिर दो गीत मेरे एक साथ उन्होंने गाए वहाँ। इस टाइप के लोग थे। कौन से गीत को याद है आपको? कौन से गीत गाए? एक तो मैं तो हर मोड़ पर तुझको सदा, एक गीत मैंने बताया, एक गीत था वो, कई सदियों से कई जन्मों से तेरे प्यार को तरसे मेरा मन, आजा के अधूरा है अपना मेरा। तो एज ए इंसान तो आपने बताया बहुत अच्छे थे, एज ए गायक कैसे थे? उनका अलग से एक ढंग था गाने का। गायक ये कि उनकी आवाज अलग थी और चूंकि कायस्थ थे, जबान उनकी अच्छी थी और उनके यहाँ सबसे बड़ी खास बात ये थी कि हर लफ्ज मोती की तरह साफ उनका उनकी जबान सुनाई देता। हमारी यादें